देखिए इसका खूबसूरती आप लोग कितना ज़बरदस्त है। तो इस तरह देखिए पूरा बीच में आपको सूर्यास्तम दिखाने को मिल जाएगा देखने को इस पर, और इतना ज़बरदस्त चल रहा है एकदम सूर्य जैसा ही चल रहा है, पूरा लाइटें जल रही है और बीच में पेड़ लगे हुए हैं ऐसे, और आगे बढ़ते हुए आप लोग को दिखाएंगे। तो तीरथ रोड लंबा राम पथ है और सागर से शुरुआत होती है, पूरा नए घाट तक जाता है और इधर से शायद के बीचों बीच से जाता है। तो NH-27 से लिंक है, जो लोग भी इधर से आते हैं अगर लखनऊ साइड से, स्वागत द्वार बन रहा है ऐसे ही स्वागत द्वार बन रहा है। और इस तरह दोस्तों पूरा अद्भुत सा नज़ारा देखिए बताइए कितना खूबसूरत दिखिया है, ऐसे दो मतलब से मूर्तियाँ लगी हुई हैं इस तरह से। तो यह है स्टार्टिंग पॉइंट रामपथ का। नमस्कार, जय श्री राम, मैं हूँ रवि और आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को हम दिखाएंगे जो रामपथ का नाइट व्यू है, कैसा दिखता है रामपथ रात में। तो चलिए आरंभ करते दिखाते हैं आप लोगों को रामपथ का नाइट व्यू। इस समय में तो सिविल लाइन से लेकर आप लोग को चलते सादरगंज तक दिखाते हैं रात में कैसा दिखता है ये रामपथ। बहुत कुछ हो चुका है इस पर, लगभग लगभग साइड का काम पूरा हो चुका है। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को रामपथ का नाइट व्यू। दोस्तों सिविल लाइन में एक पेट्रोल पंप है, उसके पे जय श्री राम लिख दिया गया, उसको कितना खूबसूरती सजा दिया गया है। तो इस तरह से देखिए पूरा चीज़ें राम में हो जा रहा है, और यहाँ से देखिए पूरा लाइटें लगी हुई हैं, कितना खूबसूरत व्यू है। और देखिए पूरा लाइट जो लगी है ऊपर जो जल रही, कितने खूबसूरत दिखाते आप लोगों को ये देखिए, ऐसे बहुत ज़बरदस्त ऐसे है। और पूरा ऐसे ही साइड से हम बुक ले चलते हैं पूरा दिखाते हुए सादरगंज तक, और देखिए फुटपाथ तो भी लगाई गई, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त चल रही है। रामपथ जो सबसे मेगा प्रोजेक्ट था अयोध्या का और काफ़ी खूबसूरत बना है, इस पर जो लाइटें लगी हैं तो एकदम आकर्षण का केंद्र है। और फुटपाथ पर देखिए किस तरह से लाइटें लगी हुई हैं जल रही हैं, तो यहाँ पर जो लाइटें लगी हैं इसका काफ़ी देखिए खास है। और ऊपर रेड कलर का दिख रहा होगा, उसके नीचे आप लोग को लैंप जलता हुआ दिख रहा होगा, उसके पूरा ये फुटपाथ है। फुटपाथ पर देखिए पूरा लाइट जल रही है और बहुत सारे भी काम यहाँ चल भी रहे हैं, और इस साइड में ऐसे ही एक पूरा बागवानी हो रही है, रात में भी काम चल रहा है, इसी में पूरा ऐसे ही बागवानी हो रही है। पूरा पेड़ बैठाए जा रहे हैं, जो भी बीच में डिवाइडर का स्थान बचा था वहाँ पर पेड़ बागवानी की जा रही है। और यहाँ पर देखिए पूरा ये ऐसे मिल जाएगा आप लोगों को बस स्टैंड, और देखिए यहाँ पर पूरा धार्मिक चित्र लगे हैं, हनुमान जी का लगा है इस साइड में, और यहाँ पर राम और लक्ष्मण जी का देखिए पूरा ऐसे दर्शाया गया है। और यहाँ का देखिए पूरा ये कितना ज़बरदस्त व्यू है। इस साइड से आप लोग अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन जा सकते हैं, ये बगल में ही पड़ता है। और यहाँ पर देखिए पूरा रात में भी काम चल रहा है, बागवानी कितनी तेज़ी के साथ की जा रही है दोस्तों, और कितना खूबसूरत सा नज़ारा है ये पूरा रामपथ का। और हम पहुँच चुके हैं बस स्टॉप के पास, बस स्टॉप के पास का आप लोग ये कुछ इस तरह से दृश्य है, तो बहुत ही खूबसूरत। तो आज हम 14 तारीख को वीडियो शूट कर रहे हैं और 15 तारीख को आप लोग को देखने को मिल जाएगी वीडियो। 14 तारीख की रात में शूट कर रहे हैं और 15 तारीख को आप लोग को आराम से देखिए इस वीडियो को, और तो लोगों के साथ शेयर भी करिएगा। ये दोस्तों बस स्टॉप है अयोध्या कैंट का पुराना वाला, और यहाँ से पूरा ऐसे आप लोग को देखने को मिल जाएगा, देखिए कितना ज़बरदस्त व्यू है। तो इस तरह दोस्तों रात में दिखता है रामपथ, और इसको जब बागवानी वागवानी हो जाएगी, पूरा पेड़ जो लगे हैं तो काफ़ी खूबसूरत हो जाएगा नज़ारा। और पूरी तरह से अयोध्या तैयार हो रही है प्रभु श्री राम का स्वागत करने के लिए, और देखिए यहाँ पर एक सूर्यास्तम लगा है जो जलता है काफ़ी खूबसूरत तरीके से, ये दिखाते हैं आप लोग को इस साइड से। ये पूरा एक ये सूर्यास्तम लगा है, कितना ज़बरदस्त चल रहा है, जैसे पूरा देखिए सूर्यास्तम लगा है काफ़ी खूबसूरत तरीके से जल रहा है। और इस साइड से हम आप लोग को और आगे दिखाते हुए चलते हैं, फिर आगे एक सूर्य स्तंभ लगता है, यहाँ से कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इस पथ का। यहाँ से हम फोटो क्लिक करते हैं फिर और आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह दोस्तों देखिए पूरा अलौकिक और दिव्य दिख रहा है एकदम। पता नहीं क्या साइड की लाइटें बुझ गई, चलिए और आगे चलते हैं। इस साइड की लाइट बुझ गई है, इस साइड पूरे फुटपाथ की लाइट बुझ गई है, और इस साइड पूरा जल रही है। तो यहाँ से देखिए पूरा ऐसे, और बीच बीच में आप लोग को देखिए छोटा छोटा लोगो भी लगाया गया है, वो भी जल रहा है पूरा ऐसे देखिए। हमारा अगर कैमरा दिखा पा रहा होगा अच्छे से, बीच में देखिए छोटी सी मंदिर बनी हुई है, देखिए राम मंदिर बनी हुई है, और यहाँ पर तुलसी राम धनुष बाण बनाया गया है,
इस साइड पूरा फुटपाथ लाइट जल रही है और इस साइड वाली बंद हो गई है। चलिए कोई बात नहीं, इस साइड वाली आपको दिखाते हैं और पूरा देखिए कितना ज़बरदस्त बागवानी की गई है। इस साइड की भी जलती तो और खूबसूरत नज़ारा हो जाता। ये पूरा पेड़ अभी जल्दी में ही लगाए गए हैं, अभी कुछ देर पहले वीडियो शूट करे तो नहीं लगे थे, लेकिन यहाँ पूरे पेड़ लग गए हैं तो हरा भरा रहेगा पूरा रामपत। और इस साइड में पूरा आपको चौड़ा सा, यहाँ काफ़ी चौड़ा सा दिखने को मिलेगा फुटपाथ, देखिए पूरा ये काफ़ी चौड़ा सा फुटपाथ है। और वहाँ पर देखिए एक और सूर्य अस्तम्भ जल रहा है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। देखिए अभी यहाँ दिखाते हैं आप लोग को, ठंडक बहुत ज़बरदस्त हो रही है इस समय और हर बार इसी जनवरी में भयंकर ठंडक होती है। तो इस तरह दोस्तों पूरा जल रहा है ये सूर्य अस्तम, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। तो भाई साहब वाह, देखिए इसका खूबसूरती आप लोग कितना ज़बरदस्त है। तो इस तरह देखिए पूरा बीच देखिए आपको सूर्य अस्तम दिखाने को मिल जाएगा देखने को इस पर, और कितना ज़बरदस्त चल रहा है, एकदम सूर्य जैसा ही चल रहा है। पूरा लाइटें जल रही है और बीच में पेड़ लगे हुए हैं, ऐसे और आगे बढ़ते हुए आप लोग को दिखाएंगे। तो दोस्तों हम बस स्टॉप क्रॉस कर चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इस साइड में आयुक्त निवास है और बीच में पूरा देखिए से बना हुआ है, उस साइड भी आपको बस स्टॉप देखने को मिल जाएगा बना हुआ है। इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी इस पर, आ गई हैं बसें, आज से चलना स्टार्ट हो गई हैं। कल शायद कल परसों में उसको भी हम सफ़ा करके दिखाएंगे आप लोगों को। तो यहाँ सब पूरा फुटपाथ देखिए कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है साइड में, और साइड में जलता मज़ा आ रहा था लेकिन पता नहीं क्यों बंद हो गई है। इस साइड पूरा देखिए ऐसे काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है इस ठंड भरे माहौल में, पूरा एकदम अयोध्या एकदम मज़ेदार नज़ारा देखिए आप लोग। और बीच में आप लोग को बागवान जो है पूरा देखिए ऐसा लगा है, पूरा पेड़ लग गया है, देखिए पूरा ताजिया बैठा हुआ है, ठंड इसको भी लग रही है ज़बरदस्त वाली। और इस तरह दोस्तों काफ़ी आज सन्नाटा है, दिन में अगर शूट करते हैं आप बहुत सारी भीड़ लगी रहती है, तो आज संडे भी है तो इसलिए काफ़ी पूरा देखिए खाली खाली है, तो आसानी से हम वीडियो बना शूट कर पा रहे हैं। और एक सूर्य अस्तम यहाँ भी लगा है, अभी तो ऐसे रेडी नहीं है, कोई भी देखिए कब रेडी हो जाता है, जैसा भी रेडी होगा आप लोग को दिखाएंगे हम वो भी, फिर कभी बीच में दिखा देंगे का दिन और नाइट भी, तो पूरी तरह से सारे सूर्य अस्तम तैयार हो जाएंगे तो काफ़ी खूबसूरत हो जाएगा। तो ये कचहरी के पास का कुछ इस तरह से दृश्य है और यहाँ का पूरा देखिए पूरे फुटपाथ पर लाइट लग गई है, साइड भी और साइड भी, साइड वाली जल रही है और साइड वाली भी बंद है। तो तीरथ रोड लंबा रामपथ है और साधारण से शुरुआत होती है पूरे नए घाट तक जाता है और इधर से इस साइड के बीचों बीच से जाता है, तो NH-27 से लिंक है, तो जो लोग भी इधर से आते हैं अगर लखनऊ साइड से तो वो लोग आसानी से इधर से जाएंगे उसी पथ से, चाहे वो हाईवे से जाएँ और चाहे रामपथ से जाएँ। रामपथ बीचों बीच जाता है, शहर के बीचों बीच से जाता है, तो इधर से आप लोग जाएंगे पूरा सिटी का देखते रास्ते जाएंगे किस तरह से है अयोध्या सिटी, जिसका पूरा नाम फैजाबाद हुआ करता था उसका भी नाम अयोध्या हो गया है। और बीच उस पर सब बैठने अलग कुर्सी बैठाई लगाई गई है बैठने के लिए, और इस साइड देखिए अभी कुछ यहाँ पर पूरा घेरे घारे पड़े हैं, कुछ यहाँ काम हो रहा होगा अभी। तो पूरे में पेड़ बैठा दिया गया भैया, साइड में बैठाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ देख सूर्य अस्तम बना है अभी अभी पूरी तरह से रेडी नहीं है, तो इस पर भी ऊपर लग जाएगा तो जलेगा अभी, जैसे वहाँ भी जल रहा है और यहाँ सब पूरा ऐसे लाइटें जल रही हैं और ऊपर जो रेड कलर का दिख रहा है काफ़ी खूबसूरत लगता है। यहाँ तक जो लाइट का इस डिज़ाइन में लगी है और इसके बाद हमारे क्रास जैसे करेंगे हम वैसे दूसरी लाइट का कलर हो जाता है, वो ब्लैक कलर की लगी है, ब्राउन कलर की लगी है, यहाँ से ब्लैक कलर और दूसरा जो डिज़ाइन जलती है लाइट वो दिखाते हैं आप लोग को। फुटपाथ पर भी दूसरी लाइट लगी है, यहाँ पर दोनों तरफ जलता है फुटपाथ पर, यहाँ एक तरफ जलता है, तो यहाँ से देखिए पूरा लाइट का जो है वो डिज़ाइन चेंज हो जा रहा है और यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। बीच में मंदिर आपको दिख रहा होगा, उसको दिखाते किस तरह मंदिर बनी हुई है इस पर और ऐसे पूरा छोटे छोटे लोगों बने, इस साइड के देखिए यहाँ पूरा ये छोटी सी लाइट लगी हुई यहाँ पर जो फुटपाथ पर लगी है, केवल एक सिंगल, उस साइड पर डबल वाली लगी है, काफ़ी खूबसूरत लगती थी, इस साइड थोड़ा कम खूबसूरत लग रही है उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ भी एक सूर्य स्तंभ बना हुआ है, अभी पूरा जल नहीं रहा है। तो इस तरह दोस्तों पूरा ऐसे देखने को मिल जाएगा पूरे पर लाइट, बीच में आप लोग को गार्डनिंग, दोनों तरफ फुटपाथ, पूरा तेल तो लंबा रामपथ है ये, तो सीधा साधक से शुरुआत होता है नया घाट तक लेकर जाता है, इधर से जितने भी लोग आए जाएंगे काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा पाएंगे। और बीच में
थोड़ी थोड़ी दूर पर ऐसे ही है बस स्टॉप बने हुए हैं, तो जैसे यहाँ पर और बना हुआ है बस स्टॉप, यहाँ पर दो तो बने हुए हैं भाई, एक छोटा एक बड़ा। और इस साइड देखिए यहाँ पर पेड़ था एक, उसको बचा दिया गया, पूरा फुटपाथ पेड़ आया था बच गया। यहाँ पे एक बड़ा सा नीम तो काफ़ी पुराना पेड़ है, इसको भी बचा दिया गया है, बहुत अच्छा काम हुआ है ये। और इस साइड भी देखिए पूरा ऐसे ही यहाँ फुटपाथ बना हुआ, तो यहाँ पर आप लोग को देखिए पूरा यहाँ भी तस्वीर बनी हुई हनुमान जी की और राम जी की, तो हनुमान जी ध्यान मुद्रा में है, यहाँ पर देखिए पूरा ध्यान मुद्रा में है। और यहाँ पर भी एक छोटा सा बना हुआ है, यहाँ भी देखिए पूरा हनुमान जी ध्यान मुद्रा में है, और पूरा पेड़ बीच में था, इसको बचा दिया गया है। तो सारे लोग पहुँच चुके हैं धीरे धीरे करके, और जहाँ इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ पहुँचने वाले हैं। पीछे ये अद्भुत नज़ारा है धर्मपथ का, बीच से लाइटें जल भी नहीं रही, यहाँ पर लाइट नहीं जल रही है, यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा बढ़िया सा एकदम, यहाँ भी पूरा लाइट जल रही है, फिर नहीं जल रही है भैया, तो पूरा जला वाला लाइट वाली अभी मज़ा आएगा। और बीच में देखिए पूरा यहाँ सब गार्डनिंग की गई है, इस साइड पूरा ऐसे, तो बीच में छोटे छोटे लोगो बनाया गया है राम जी के मंदिर का, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जितने भी शटर है उस पर भी ऐसी टाइप के धार्मिक लोगो बनाए गए हैं। तो इस तरह दोस्तों पूरा देखिए जहाँ भी एक सूर्य स्तंभ बना है, ये भी आधा अधूरा है, तो पूरी तरह से नहीं रेडी है, तो भी जल्दी से रेडी हो जाएगा। और इसको हम दिन में भी दिखाने वाले हैं, किसी दिन एक दो दिन में इसको दिन में दिखाते हैं किस तरह से, बहुत सारी नई नई चीज़ें हो गई हैं, तो रात में दिखाई दे रहे हैं, दिन में भी दिखाते हैं, नाइट व्यू आप लोग देख लीजिए दिन में कैसा दिखता दिखाते हैं। तो सारा दिन की मार्केट है, और यहाँ पर देखिए बहुत सारी दुकानें हैं, सबके दुकान के सामने एक कलर का बोर्ड लगा होगा, आप लोग को देख के इस पर खासियत जो होगी, सबकी डिज़ाइन एक जैसी होगी, सबके जो बोर्ड लगे हैं सब एक कलर के ही लगे हैं पूरे। ये मार्केट है सादागंज, लोकल मार्केट है यहाँ की, और यहाँ भी एक लाइट नहीं जल रही है। तो रामपथ पे एक जैसा ही घर मिलेंगे, एक जैसा कलर, एक जैसी बिल्डिंग डिज़ाइन, जो भी दुकानें होंगी और घरों में सब कैसे है, फुटपाथ भी लाइटें वाइटें जल रही हैं, और बहुत सारे झंडे देखे सबके घरों से यहाँ पर लहरा रहे हैं, शायद रात में ना स्पष्ट दिख रहा होती है यहाँ पूरा ऐसे, तो सब पूरा भगवामय हो गया है, राममय, पूरे सब राम हनुमान जी के झंडे सबके घरों पर लगे हुए हैं यहाँ पर पूरा ऐसे। और इस साइड बहुत सारी देखिए दुकानें हैं, सब एक जैसे देखिए पूरा सबका एक जैसा डिज़ाइन, जैसा कलर आपको देखने में दिखा, तो दिन में हमें दिखाया कई बार अच्छे से दिखाया, बहुत बढ़िया लगता है। तो इस तरह दोस्तों पूरा देखिए बागवानी की गई है, और यहाँ सब हरा भरा नज़ारा है, हो जाएगा कुछ दिन में, अभी तो नहीं है फिलहाल, यहाँ दो पेड़ भी हैं दिखे जाते हैं आप लोग को, यहाँ भी एक पेड़ बड़ा था पीपल का, तो इसको भी बचा दिया गया, बहुत ही अच्छा हुआ है, पीपल ऐसे ही बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। और देखिए यहाँ पर कुछ ये बड़ा सा रखा हुआ है, देखिए ये कहाँ लगता है, इस तरह दोस्तों पूरा ऐसे है। तो धीरे करके हम पहुँच चुके हैं इसके जहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है रामपथ का, और यहाँ देखिए बहुत सारी चीज़ें आके रखी हुई हैं, इसके ऊपर गेट बन रहा है, उस पर लगाया जाएगा, इस साइड में पूरा ऐसे रखा गया है, और पूरा यहाँ तैयार है। और देखिए यहाँ पर दो प्रतिमाएं लगी हैं, कि यहाँ पे लगी है इधर साइड में और एक साइड में, वाह भाई, अभी कुछ दिन पहले आए थे तो उस साइड वाली लगी थी और इस साइड वाली नहीं थी, यहाँ पर दोनों तरफ लगी है। और यहाँ पर देखिए पूरा ये गेट है, स्वागत द्वार बन रहा है, ऐसे ही स्वागत द्वार बन रहा है। और इस तरह दोस्तों पूरा अद्भुत सा नज़ारा देखिए बताइए, कितना खूबसूरत देखिए, ऐसे दोनों तरफ से मूर्तियाँ लगी हुई हैं इस तरह से, ये है स्टार्टिंग पॉइंट रामपथ का, यहाँ पर ऐसे लगा है, बहुत ही खूबसूरत है, उस साइड में पूरा गेट बन रहा है। तो आगे देखिए एक चीज़ और लगी हुई, अभी दिखाते हैं आप लोगों को, फिर करते हैं वीडियो को ही। तो ऊपर से देखिए NH-27 जा रहा है, इस साइड आप लोग अयोध्या जाएंगे, और इस साइड जो आता है इधर चले जाएंगे सीधा लखनऊ की तरफ। तो यहाँ पर एक देखिए छोटा सा पार्क नुमा बनाया गया है, तिकोना टाइप का, पूरा तिकोना टाइप का बनाया गया है, और काफ़ी खूबसूरत है देखिए पूरा ये, यहाँ पर एक लगा है दिया टाइप का, पूरा हाथ में ऐसे लिए हैं ये पूरा ऐसे, तो इस तरह से रात में दिखता है। और पूरा ये पार्क को अच्छे से बनाया जा रही है, काम चल भी रहा है, पूरा ईंट जोड़ी गई है, तो इस तरह दोस्तों पूरा बनाया गया है। और यही शुरुआत हो जाती है रामपथ की, अब आप लोग को हमने साइड से दिखाते हुए आए हैं, देखिएगा ये यहाँ पर स्वागत द्वार बन रहा है, बड़ा सही है। तो
दोस्तों ये था रामपथ का नाइट व्यू, आप लोग को कैसा लगा हमने दिखाया, सिविल लाइन से लेकर पूरा सादरगंज तक जहाँ तक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। हमें उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आएगी, वीडियो पसंद आने पर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जो लोग नया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए रखिए अपनों का बहुत ख्याल, नमस्कार, जय श्री राम।